हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे थे 3 और हम उठ गए थे, और उसके बाद हम नहा वहा के पूजा करके आ गए थे किचन में खाना बनाने, माता जी का मतलब भोग बनाने के लिए। तो हमने बनाया यहाँ पे पूड़ी और हलवा और चने थे जो मैंने रात में ही भिगो दिए थे, और पेड़े मंगाए थे मैंने। तो फ्रेंड्स, ये थी शीतला सप्तमी की पूजा। तो यहाँ पे सब तैयारी मैं कर रही हूँ पूजा की, और बस फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि 4 बजे तक मुझे पूजा कंप्लीट करनी थी। तो आप लोग देखते रहिए और बताइए कि पूजा कैसी लगी, और माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, ये पूजा सावन में होती है हम लोगों के यहाँ, और सावन की जो सप्तमी पड़ती है लास्ट वाली, तो उसी दिन ये पूजा होती है। तो कुच्चड़ में जो मैंने निकाल के भोग रखा, ये शीतला माँ मतलब जो नीम का पेड़ होता है वहाँ पे मैं लेके जाऊँगी। तो कहते हैं कि नीम के पेड़ में ही माँ शीतला का वास होता है, तो इसीलिए घर में ही पूजा करके घर के देवताओं के नाम से, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी माँ शीतला की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सब धूप दीप सब जला दिया है, अग्यार वगैरह करेंगे, और उसके बाद हल्दी से 5 बार छापा मार के हाथों से, और फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो गौर गणेश हैं, उनको मैं टीका लगा रही हूँ सिंदूर का। तो ये वाले गौर गणेश मेरे मतलब साल भर में सिर्फ 2 ही 3 बार निकलते हैं, तो जैसे ललही छठ हो गई, शीतला सप्तमी और गणेश चौथ, ये 3 दिन इन इनकी पूजा होती है ये वाले गौर गणेश की। तो इनको मैं संभाल के रखती हूँ। तो कर लेती हूँ मैं पूजा, और आप लोग देखते रहिए और कमेंट करके हमें बताना कि पूजा कैसी लगी। पूजा अच्छी लगी हो तो माता रानी के नाम से जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करना। तो बने रहना वीडियो में और देखते रहिए कि कैसे मैं करती हूँ पूजा। उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जाती हूँ पूजा करने। और एक गड़बड़ हो गई थी कि जो मुझे शाम को ही करना था, तो वो चीज़ हम शाम को नहीं कर पाए थे, तो अभी मैं सुबह ही उसे करूँगी। तो अभी दिखाती हूँ कि क्या मैं की थी। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं घर में पूजा करने के बाद पार्क में नीम के पेड़ के पास। तो गड़बड़ ये हुई थी कि मुझे रात में ही यहाँ पे एक गड्ढा बनाना था, जैसे गांव की भाषा में जैसे रहते हैं सगरा बोलते हैं, मतलब तालाब या नदी जिनके घर के पास होती है, तो ये लोग तालाब या नदी के पास जाते हैं पूजा करने। तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो हम रात में ही मतलब शाम को मतलब गड्ढा खोद देते हैं नीम के पेड़ के पास, उसके बाद उसमें जल भर देते हैं, और फिर सुबह आके फिर उसमें जल भर के फिर तब उसमें हम इसको बैठाते हैं जो पूजा का सामान लेके आए थे। तो वही मैं नहीं कर पाती थी, मैं ये खुरपी जो होता है गड्ढा खोदने वाला, तो वही मैं लेके आई थी, तो उसी से मैं खुदाई कर रही थी। तो थोड़ा सा छोटा सा मैंने जल्दी जल्दी में गड्ढा खोदा, क्योंकि देर हो रही थी, लग रहा था कि मतलब सुबह हो जाएगी, और ये होता है ना कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही इसकी पूजा हो जानी चाहिए, तो वही मैं कर रही थी। तो फिर चलिए, मैंने थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा बना लिया है, अब इसमें मैं डालूंगी जल और हल्दी वाला जो पानी था जल, तो वही डालूंगी, और उसके बाद फिर इसमें जो छोटा सा कुल्हड़ था जिसमें डाला था मैंने भोग माता रानी का, उसको इसमें डाल के फिर दिया जला के धूप बत्ती वगैरह दिखा के फिर सिंदूर लगा के फिर पैर उड़ छू के तब आऊँगी घर पर। तो कर लेते हैं हम पूजा, और आप देखते रहिए कैसी लगती है आपको, बने रहना वीडियो में। ऊपर रह गई जला ले,
लेते हैं तो हवा चलता है, पहले बताओ और सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो दिया जलने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी जल गया दो तीन बार के प्रयास में। तो हो गई है मेरी पूजा और अब हम चलते हैं घर। तो ये थी हमारी शीतला सप्तमी की पूजा फ्रेंड्स। तो दो तीन बार मैंने वीडियो डाला है, एक बार तो बहुत ज़्यादा पिछली बार बारिश हो रही थी तो बारिश में वैसे ही मतलब छाता लेके आ गए थे, बस दिया वगैरह जला के भोग लगा के चले गए थे, लेकिन बारिश की वजह से ठीक से कुछ हो नहीं पाया था तो पिछली बार मैंने कुछ नहीं दिखाया। बाकी जो वीडियो मतलब पुरानी है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हो गई है मेरी पूजा, चलते हैं हम घर। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अपना साथ सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय माता दी।